नमस्कार। आज की इस कड़ी में हमने सामाजिक सुविधाओं के दुरुपयोग और गंदगी फैलाने पर प्रकाश डाला है। हमने ये भी दिखाया है कि हरिया की तरह एक पात्र अब्दुल भी इन बुराइयों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सम्मिलित रूप से ही अपनी बस्ती को अच्छा बनाने के लिए कारगर कदम उठाने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है। अरे अब्दुल, अरे आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया भैया? आ बैठ। अरे भैया, पास की बस्ती में किसी काम से आया था। अच्छा, सोचा चलो गंगा बहन के हाथों की बनी हुई चाय पी लेते हैं। हाँ, तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ भैया, भी लाती हूँ बना के। चल कुछ खाने को भी लाई हूँ। हाँ अच्छा, क्या बात है अब्दुल? हाँ? आज शिव कहाँ है? तुम और राम और लक्ष्मण तो हमेशा की तरह साथ साथ रहते हो, क्या चक्कर है? हाँ हरिया भैया, मैं तो बताना ही भूल गया, वो शिव ना अपनी बस्ती का प्रधान चुन लिया गया है। अरे ये तो बड़ा अच्छा है, अब तो तुम्हारी बस्ती का कुछ सुधार हो जाएगा। हाँ देखो क्या होता है आगे। हाँ हरिया भैया, एक बात थी। हाँ, मैं जब भी तुम्हारी इस बस्ती में आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी छोटे से स्वर्ग में आ पहुँचा हूँ। क्या? लेकिन हमारी अपनी बस्ती तो। क्यों भैया, क्या हुआ तुम्हारी बस्ती को? अरे कुछ मत पूछो गंगा बहन, कुछ मत पूछो। अब देखो, जैसे तैसे तो हम बस्ती के लोगों को समझाते फिरते हैं कि भैया ये गंदगी मत फैलाओ, सफाई रखो, झगड़े मत करो, ये शराब मत पियो, लेकिन कहाँ कहाँ समझते हैं हमारी बात को, कहाँ सुनते हैं। अब वो हरिया है। हरिया? हाँ, अरे हमारी बस्ती में भी एक हरिया है। अच्छा, देखो तुम दोनों के नाम एक जैसे हैं लेकिन कामों में कितना फर्क। एक भैया तुम हो जो बस्ती के भलाई के बारे में सोचते रहते हो, एक वो हरिया हमेशा बुराई, हमेशा बुराई। अब मालूम क्या किया उसने? क्या? क्या? कच्ची शराब का लालच देकर उसने अपने बस्ती के प्रधान बनने के पूरे इंतजाम कर लिए थे। अरे? हाँ। अरे हरिया, मरा हुआ हाथी भी सवाल आपका होता है? अरे खचेड़ू, गांव का भले ही मुखिया तो नहीं सही लेकिन तैर मुखिया तो हूँ, बाप सब जानता हूँ। अबे लौंडे चोटी के, प्रधान जी का कुल्लर खाली हो गया, चल लौट दे। प्रतिपाल जी, अगर आपका हाथ तांबे को छू ले तो सोना बन जाए। आज गांव में अध्यक्ष का चुनाव सजा है, अगर एक बार मेरे को आप अध्यक्ष बना दो तो गांव में शराब की नदियां बहा दूंगा, कसम शंकर भगवान की। अरे गांव वाले हो, तुम्हारे भेजे में क्या गोबर भर रहा है? वो नाम का हरिया है, वो नाम का हरिया है, उसका लक्षण देखो। और वो कच्ची शराब निकालता है, अपना गांव का वो क्या भला करेगा? सही कह रहे जी, छोड़ो रहने तो जी, शराब तो छक्के मिलेगी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ शराब पीते हो तुम और भुगतना पड़ता हमको। अरे भाई ये बातें ही करोगे या कुछ काम की भी बातें करोगे? अपने गांव में प्रधान के लिए दो ही आदमी हैं, जो कि एक तो शिव नारायण और Yeah.
हाँ तो हम सबको मिलकर गांव में सफाई करानी है, भाइयों और बहनों सबकी सफाई करा दी। क्या मजाक रखा? अरे भाई लोगों, हमने तो तय कर लिया शिव नारायण एक देश बनेगा। अरे भाई हम तो गुंते छाप हैं, एक बार भी बांध लेता है। बच्चे के सुधार के लिए कमेटी भी होकर आया है। अजय राम का नाम लेके उसे प्रधान बना दो। फिर सोचते क्या, उठाओ हाथ। आओ भाई शिव नारायण, संभालो अपनी गद्दी। और आज हमें ये बताओ कि हमारी बस्ती के लिए आप क्या क्या सुधार करेंगे, कुछ तो बोलो। ये भाषण वाषण देना अपने बस की बात नहीं भैया, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हर काम करने से पहले ये सोचो कितने बस्ती का नुकसान है या फायदा। बस जी आज की सभा यह है कि समाप्त। चलो जी, चलो जी। अपने आदमी को बोल घर में जाके नल का लगवाए, अपने तेरे शराबी को संभाल के रहा घर घर मुंह मारता है यहाँ से। तुम्हारा घूवर बन पे हंसी आ रही दादा। अरे तुम ये बर्तन आखिर लाइन में क्यों नहीं लगाते हैं? लाओ मैं दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता। भाई जिंदगी में सुख से रहना है तो हर जगह लाइन लगाओ, लेकिन बच्चों की नहीं। आप पानी बेकार भी नहीं जाएगा सर, फुटबॉल से बचोगे, अब सबको पानी भी मिल जाएगा। हाँ भाई शिव, वो लाइन तो लगी गई है, अब है आओ चले। हाँ भाई चलो, आ जाओ आ जाओ। अब्दुल आप बर्तनों की लाइन तो लगवा दी आपने, क्या ये कूड़ा पड़ा मेरे घर के सामने, और मेरी माँ की देश की तरह इसको कौन उठाएगा, इनका बाप उठाएगा क्या? मिट्टी डालते डालते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। मैं जब रात को लेटता हूँ ना, मेरे को इतना मोटा मोटा मच्छर काटते हैं, मैं उन्हें इतने पीटता रहता हूँ जिससे कोई मेरा मर गया। इन दिन से मेरे बच्चे को बुखार हो गया मच्छर का, इसके लिए भी कुछ करो। तीन दिन से मेरे बच्चे को बुखार हो गया। लेकिन फिर भी तो हमें लोग पहनते हैं, हमें नाली खोदनी पड़ेगी भाई। अगर एक हाथ भी हर आदमी खुदाई करे तो एक दिन में नाली बनती है। तो शुभ काम में गिर के नारी फावड़ा, नारी फावड़ा ला जाना। हाँ ये हुई ना कोई बात, आ जाओ भैया शिव, नाली खोदने का काम शुरू ही करते हैं। आ जा बेटा, जरूर जरूर। देखता है शाम हर वक्त ये रहता है, ये हिम्मत है उस औरत की जो अब तक तेरे साथ गुजर कर रही है, समझा? अरे भाई अब्दुल, अपने तो दो असूल है जिंदगी के अंदर, या तो पी के सो जाना या मार के भाग जाना। अरे बुढ़िया क्या दिखता नहीं है, आंखें फूट गई है? महाराज अपने संतरियों के साथ में खड़े बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कूड़ा लाइट फेंकूंगी, तुम मोड़ जाके कहां मरो? आज मैं तुझे उठाकर फेंक दूंगा। ए देख माँ, तू कूड़ा बाहर फेंकेगी तो बदबू तुझे भी आएगी। आएगी ना? हाँ तो फिर? और कूड़ा उड़कर वापस तेरे घर में आएगा, आएगा ना? ये बात तो है, तुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। देख माँ, कूड़ा अगर तू कमेटी के कूड़ेदान में फेंकेगी तो न बदबू फैलेगी न कूड़ा उड़ के तेरे घर में आएगा। छोड़ माँ, मैं ही उठा के फेंक देता हूँ। बेटा तू कूड़ा क्यों फेंकता है,
मेरे के हाथ पांव नहीं है। मियाँ प्यार से बोलो तो शेर भी काबू में आ जाता है। ये तो है, ये तो फिर भी इंसान है। आओ चलो चलते हैं। अरे भाई ये जहरीली शराब पीना छोड़ दे, किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे खसम बेटा क्या है, जल्दी कर नहीं तो पुलिस आ जाएगी। अरे तो अपनी तो आंटी से पी रहे हैं बेटा, घंटी बजा देगी तेरी जोरू। अरे ताऊ घंटी तो तुम्हारी अब्दुल बजाएगा। अरे चाप। अरे ताऊ कल उसने भरी बस्ती के सामने कहा था। अबे क्या कहा था? कि तुम्हारी शराब की छुट्टी करा देगा वो। अबे वो क्या खाके करा देगा छुट्टी? अबे गोली मार उनको, लग कुल्लड़ भर तू। अपनी तो बज गई घंटी, चलता हूँ साली धनिया की हड्डी पसली ये करता हूँ, प्रचार भी करती है तो साली तनके करती है। सब दिन ओढ़ी कूड़ती हूँ, रात को लात धक्के मुक्के खाती हूँ उसे। हाय भगवान, हरामजादी अपने पति को बुरा भला बताती है। 5 साल हो गए एक बच्चा भी नहीं जन्म सकी, जब डूब के मर जा कहीं। डूब के मैं क्या क्यों मर जाऊँ, खुद तो अपने शरीर को शराब पी पी के खोखला बना लिया गा। ये तो मेरी हिम्मत है जो मैं तेरे जैसे आदमी के साथ में गुजारा कर रही हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो अब्दुल, और कभी लिए कोई कानून नहीं है क्या? अली की जवान खेल लूंगा। ए दिनो बच्चा बच्चा दिनो, क्या कर रहा है? हां मैं आती तुम्हें ऐसा नहीं है जवान चला। हाय भगवान कैसा निर्दयी है, इससे पीछे क्यों नहीं छुड़ाता मेरा? दोबारा ऐसे किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझा? अपनी जोर को मार रहा हूँ, 5 साल हो गए। तुम दोनों डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? ये शराब ही सिर्फ क्या दिखाएगा, उसके तो पूरे जिस्म में शराब भरी पड़ी है। देखा कैसी कतरनी की तरह इसकी जवान चलती है, इसको मैं बिल्कुल घर में नहीं रखूंगा। तो ठीक है, कानून है तलाक हो सकती है। अच्छा ये हो सकता है? छोड़ेगी मुझे, मैं छोड़ दूंगा तुझे। दिखता नहीं है, दीदे फूट गए तेरे। अरे हमारे आदमियों की आगे जाती है। कैसे हुआ हमारा आदमी अंधा हो गया? अरे के अड्डे पे चक्की शराब पी के अंधा हो गया। मैंने मना किया था शराब पीने से, क्या हो गया? अरे मैं अस्पताल लेके जा रहा हूँ, रात को हरिया गड्ढे में शराब पी थी, आगे जाती रही, बाकी लोगों को अब्दुल नहीं आते। ससुरा अगर पढ़ लिखिया हो भैया तो आज ये दिन ना ही देखेगा पड़ता, अब गई ना आके, अब पछताएगा जिंदगी का। फिर बस्ती का हर आदमी अपने घर से लठ लेके बाहर निकला। अरे अब्दुल कानून तो हाथ में नहीं लिया ना? अरे नहीं नहीं हरिया भैया, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, वो ठीक समय पे पुलिस आ गई थी। ये भी अच्छा हुआ।
पुरानी गलियां अपने रास्ते अपना चैन है अपने दुख सुख अपना चैन है अपने दुख सुख अपने हैं समाधान।